अभी गर्मी बहुत ज्यादा हो गया है, हम लोग का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा धूप हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इतना ज्यादा गर्मी मार्च में जब यही हाल है, गर्मी इतना है तो फिर मई जून तो हम लोग समझ ही सकते हैं। गर्मी से सभी स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी हो रही है आने जाने में, बहुत ज्यादा धूप हो गया है, आने जाने में प्रॉब्लम हो जाता है, गर्मी तो इतनी ज्यादा हो गई है कि देख ही रहे हैं। मैं बहुत जल्दी मतलब मेरा बीपी वगैरह लो हो जाता है धूप में निकलने से, बहुत मुश्किल होता है कल आने मुझे यहाँ से, मतलब 3 ऑटो पकड़ के आते, बहुत दिक्कत होता, मिलता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूँ आपके साथ रश्मि। पटना में इस बार गर्मी जो है वो अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है, जहां सालों का रिकॉर्ड इस गर्मी ने तोड़ दिया है। जो गर्मी पहले जून जुलाई में पड़ा करती थी वो गर्मी इस बार मार्च में ही पड़ने लग गई है, जहां गर्मी ने अपना विकराल रूप दिखाना जो है वो मार्च के महीने में शुरू कर दिया है। मार्च के महीने में ही 40 डिग्री के पार जो है वो पारा पहुँच जा रहा है। ऐसे में हम आज JD वुमेंस कॉलेज आए हैं और यहाँ मौजूद छात्रों से जानेंगे कि उन्हें क्या परेशानियाँ जो हैं वो झेलनी पड़ रही हैं, इसके साथ ही गर्मी की छुट्टी वो क्या चाहती हैं कि कब से शुरू हो, तो आइए जानते हैं उनसे। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया है, हम लोग का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि जो जून जुलाई में जो गर्मी पड़ता है उससे पहले ही सिलेबस कंप्लीट करा के हम लोग का समर वेकेशन जल्दी दे दिया जाए, ताकि हम लोग मतलब अच्छे से रहे घर में, क्योंकि आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत दूर से हम लोग को आना रहता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। अभी मार्च है तो अभी और मतलब टेम्परेचर बहुत मतलब ज़्यादा है, मतलब पटना का टेम्परेचर और ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग को दिक्कत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्लासरूम में रहते हैं तो फिर ठीक है, बट बाहर निकलते हैं तो लू के जैसा इन्वायरमेंट बना हुआ है बाहर में, तो जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ होती है, मतलब कि क्या सब जैसे मार्च में इतना है। मार्च में इतनी गर्मी पड़ेगी तो आगे कितनी गर्मी पड़ेगी, मतलब ये सारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हम लोग को कॉलेज आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, आने जाने में हम लोग परेशान हो जा रहे हैं, इसलिए क्लास में फोकस नहीं कर पा रहे अच्छे से। ये सब कहा जाता है कि ये यूक्रेन और रशिया के वर्ल्ड थर्ड के कारण भी हो रहा है, इसका भी इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए गर्मी ज़्यादा हो रही है। और तो और अप्रैल मई तो आई भी नहीं है, मार्च में इतनी गर्मी पड़ रही है जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ, जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो जाए और 11th का फाइनल एग्ज़ाम हो जाए टाइम से, और 12th पे हम लोग को फोकस करना है। अगर सिलेबस इधर ही कंप्लीट हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मैम लोग से हम आज बात किए थे कि मतलब इधर ही कर दीजिए, तो आप अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दी है। हम लोग काफ़ी दूर से आते हैं तो इतना ज़्यादा गर्मी बहुत हम लोगों को परेशानी होती है, इसलिए मैम को धूप भी बहुत है, काफ़ी परेशानी भी होती है, बहुत दूर से आना पड़ता है। समर वेकेशन जल्दी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, हम लोग को थोड़ा राहत मिली। गर्मी भी काफ़ी है, बर्दाश्त नहीं, मीन्स कि इस बार बहुत ज़्यादा है, मार्च में जब यही हाल है, गर्मी इतना है तो फिर मई जून तो हम लोग समझ ही सकते हैं कितना होगा, तो चाहते जल्दी से वैकेशन हो जाए ताकि हम लोग कोई परेशानी कम हो, क्योंकि हम लोग बहुत दूर से आते हैं और ऑटो के लिए खड़ा रहना पड़ता है, कितनी मुश्किल से मिलती है, और एक तो भाड़ा भाई उतना ही, और हम लोग स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा जी। गर्मी से हम सभी स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी हो रही है आने जाने में, ऐसे ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी मिलती है, बट अभी ज़्यादा गर्मी को लेकर डेली क्लास हो रही है ऑफलाइन, जिस वजह से हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है, और सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, एग्ज़ाम भी टाइम पे अभी नहीं हो पा रहा, अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता, टाइम पे एग्ज़ाम हो जाता तो हम लोग के लिए ज़्यादा सही रहता, क्योंकि डेली आने जाने में हम लोग आने जाने से हम लोग बचते और हम लोग को कठिनाई नहीं होती, और जैसे कि बहुत लोग का डिस्टेंस पे भी घर है तो आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो बस यही कि मतलब अभी तो मार्च लास्ट में भी इतनी ज़्यादा गर्मी है, अप्रैल मई में पता नहीं और कितनी ज़्यादा गर्मी रहेगी, कितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके सिलेबस कम्प्लीट हो जाए, टाइम पर एग्ज़ाम हो जाए, जिससे हम लोग के लिए सही रहे। हम लोग चाहते हैं कि सिलेबस कंप्लीट होकर गर्मी की छुट्टी के लिए छुट्टी मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो गया है, आने जाने में प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसे में तबीयत भी ख़राब रहता है। गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि देख ही रहे हैं, स्किन पूरा जल रहा है सारा, जो भी नॉर्मल वर्क है सब में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, पर क्या कर सकते हैं, करना तो है ही। अभी मार्च में ही ये हाल है। हाँ, और सोच सोच के डर लग रहा है कि मई जून में क्या होगा, अब देखते हैं क्या ही होता है। मेरे जैसी लड़की होती हैं जो बहुत पतली दुबली होती हैं, चक्कर आके धूप में गिर जाती हैं, बस एग्जांपल में मुझे ही ले लीजिए, मैं बहुत जल्दी मतलब मेरा बीपी वगैरह लो हो जाता है धूप में निकलने से।
बिल्कुल सही बोल रही हूँ। यहाँ कॉलेज पढ़ने के लिए मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो बहुत मुश्किल होता है कभी आने में मुझे यहाँ से, मतलब 3 ऑटो पकड़ के आते हैं तो बहुत दिक्कत होता, मिलता नहीं है, बहुत परेशानी के साथ हम यहाँ पे आते हैं कॉलेज पढ़ने के लिए। हम जल्दी चाहते हैं जैसे वेकेशन हो और जल्दी से हम लोग कोर्स खत्म हो जाए, हम लोग फिर उसके बाद हम लोग रिलैक्स हो जाए, हम लोग का पढ़ाई जल्दी से ये हो जाए। यहाँ मौजूद छात्रों ने जिस तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है उससे साफ है कि वो भी काफ़ी परेशान है, जिस तरीके से मार्च महीने से ही गर्मी जो है वो अपना विकराल रूप धारण किए हुए, ऐसे में उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जो कमज़ोरी के कारण धूप में बेहोश भी हो जाती हैं। आमतौर पर ये देखा जाता है JD वुमेंस कॉलेज में, जहाँ लड़कियाँ जो हैं वो धूप के कारण जो हैं वो बेहोश हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लड़कियाँ भी जो आई हैं वो जो है स्कार्फ पहन के आ रही हैं, धूप से खुद को बचाने की कोशिश भी कर रही हैं। ऐसे में उनकी जो है वो मांग है कि सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ समर वेकेशन जो है वो जल्दी कर दी जाए ताकि जून जुलाई की गर्मी उन्हें ना झेलनी पड़े। आगे इस तरह की खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। पटना से कैमरामैन हीरा के साथ रश्मि की रिपोर्ट।